दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत पहलवानों के समर्थन में सीटू यूनियन द्वारा शुक्रवार को सेक्टर 1 स्थित बीएसएनएल चौक में विरोध प्रदर्शन कर न्यायोचित कार्यवाही करने की मांग की गई। इस धरना प्रदर्शन को लेकर सीटू के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि पिछले 25 अप्रैल से 25 दिनों से भी ज़्यादा हो गया है, दिल्ली में हमारी पदक विजेता बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं और इनका मांग सिर्फ इतना सा है कि जो यौन उत्पीड़न के जो दोषी हैं, जो कुश्ती महासंघ, भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष रहे हैं अभी तक, जिसे अभी कुछ दिन पहले भंग कर दिया गया, उनके ऊपर कुछ यौन उत्पीड़न का आरोप है, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़े दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के पश्चात, और वो भी हमारे जो बच्चे हैं उन्हें लगभग महीने भर तक धरने पर बैठना पड़ता है, तब पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाती है, और पुलिस द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई है, और उस पॉक्सो एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी आरोपी की होनी चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, और इसके लिए आज पूरे देश भर में यह विरोध दिवस हो रहा है। भिलाई में भी जितने भी श्रम संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन है और भी खेल संगठन है, वो सारे लोग यहाँ पर बिना किसी बैनर के ये प्रदर्शन को कर रहे हैं। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश की जो पदक विजेता बेटियाँ हैं उनके साथ ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। एक तो महिला आगे बढ़ी है, महिलाओं को आगे बढ़ने में समर्थन देना चाहिए। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना होता है। जब करने की बारी है तो कहाँ गए हमारे सरकार? हमारी सरकार क्या बोल रही है और क्या कर रही है? उनके ऊपर पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया, उनका जो भी बैठी हुई थी वो गद्दा फेंक दिया, या उनके साथ जो भी भ्रष्ट तरीके से उनके साथ जो व्यवहार हुआ ये काफ़ी गलत है। हम लोग उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ, सिर्फ हम ही लोग ही नहीं, भिलाई ही नहीं, पूरी देश आज विरोध प्रदर्शन में खड़ी है। पूरी देश चाह रही है कि बेटियों को न्याय मिले। हम भी एक महिला हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं, हम भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारी सरकार ही हमारी मदद नहीं करेगी, एक महिला होने के नाते मैं सरकार से, मोदी सरकार से, मोदी जी से, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगी कि उन्हें न्याय मिले, और ताकि हम सभी महिलाओं भी खुश हों और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है बहुत ही गंदा काम है, इस तरह का नहीं होना चाहिए।